राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की और इस घोषणा के बाद एनसीपी के पदाधिकारियों के साथ साथ राज्य भर के नेता और कार्यकर्ता भावुक हो गए। सभी कार्यकर्ताओं की ओर से शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध किया जा रहा है। साथ ही पवार पर पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं का दबाव भी बन रहा है और अब सबकी निगाह इस बात पर है कि पवार इस पर क्या फैसला लेते हैं। पुणे के कार्यकर्ता ने अपने खून से शरद पवार को पत्र लिखा और उनसे अपना फैसला बदलने की मांग की है। सहायक प्रतिष्ठान के साथ साथ एनसीपी कार्यकर्ता संदीप काले ने पार्टी अध्यक्ष शरद पवार को अपने खून से पत्र लिखा है। सर, आपके द्वारा लिया गया ये निर्णय किसी को भी स्वीकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सारस न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।